بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة متفق عليه سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتين कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त फ़ोत किए गए तो आपको धारी दार लकीरों और लाइनों वाली चादर में लपेट दिया गया मुताफ़ा कन बुखारी मुस्लिम की ये रिवायत है इसका मतलब ये है कि जब कोई शख़्स फोत हो जाए तो उसके ऊपर एक चादर डाल दी जाए हमारे हा यहाँ इस पर अमल होता है कि मैत के जिसम पर सीधा इस तरह ही बग़ैर चादर के लिटाया नहीं जाता अगरचे लिबास होता है लेकिन इसके ऊपर एक चादर डाली जाती है जो खेस कंबल या कोई चीज़ उसके ऊपर डाली होती है तो ये सुन्नत है और सहाबा का तरीक़ा है लेकिन एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है हमारे कुछ दोस्त मैत के ऊपर जो चादर डालते हैं ना वो एक ख़ास चादर डालते हैं कफ़न के बाद ये तो वैसे कफ़न और गुसल से पहले की बात है कि जब आप इस दुनिया से गए फोत हुए आप तो आपको एक दारी दार लाइनों वाली चादर के अंदर लपेट दिया गया आपके ऊपर बिछा दी गई हमारे यहाँ एक चादर बाज़ार से मिलती है सयाह कलर की और उसके ऊपर लिखा होता है और लिखाई में कलेमा भी लिखा होता है आयात कुरानी भी लिखी होती हैं आयतल कुर्सी भी लिखी होती है और बस अवकात चारों कुल भी लिखे होते हैं और वो कुरान जो लिखा हुआ है वो उस मैयत के ऊपर डाल दिया जाता है उसका कुछ हिस्सा पाँव पर भी आता है कुछ हिस्सा सतर पर भी आता है और कुछ हिस्सा दूसरे जिसम पर भी आता है तो वो क़ुरान लिखा हुआ सतर पर भी आता है पाँव पर भी आता है और दूसरे जिसम पर भी आता है तो ये ग़लत है ये क़ुरान के साथ मोहब्बत नहीं है अगर कोई शख्स आज आपके सामने जिंदा आदमी ऐसा प्रिंट कपड़ा पहनने अपनी कमीज और शलवार बनाए जिसके ऊपर कुरान लिखा है तो क्या आप गुस्से में तैश में नहीं आ जाएंगे और आपका दिल चाहेगा कि मैं इसको चीर के रख दूं इसने कुरान को अपने लिए ये लिबास बनाया हुआ है तो हम इस मौके पर गुस्से में आते हैं और उस मौके पर वो कुरान लिखा हुआ मैत के ऊपर डाल दिया जाता है जो कि दुरुस्त नहीं है हमें चाहिए कि हम सुन्नत वाले मामले करें घर में कोई चादर है कंबल है खेस है कुछ भी है आप उसके ऊपर डाल दें पैगम्बर अलीसलाम के घर में एक लाइनों वाली चादर थी जो कि आपके ऊपर डाल दी गई ये है गुसल और कफ़न से पहले

आपकी वफात के बाद पेशानी पर बोसा दिया दो मसले यहाँ से बड़े साबित हुए बाकी तो कई मसाइल एक मैयत को बोसा दिया जा सकता है बाज़ लोगों के ज़हन में होता है कि मैयत नापाक हो जाती है जब बंदा फोत होता है तो नापाक हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है मैयत पाक ही पाक है जिस तरह जिंदा आदमी पाक है बशर्ते के पर उस पर कोई गलाजत ना हो या हुक्मी तौर पर जनाबत ना हो तो बंदा पाक ही पाक है इसी तरह फोत होने वाला भी पाक ही पाक है तो अबू बकर रज़ील्लाों ने नबी पाक सल्ला व्ल्लम को उनके इस दुनिया से जाने के बाद बोसा दिया पिशानी पर तो मैयत को बोसा दिया जा सकता है दूसरा मसला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी तैगम्बर आसम के साथ कमाल और इंतहा दर्जे की महब्बत है कि आप हुजूर के माथे को भूसा देने वाले थे और तीसरा कि हुजूर इस दुनिया से चले गए हैं क्योंकि हदीस में क्या आ रहा है कबाला नबिया सल्ला व्लम बादा मऊती ही आपकी वफात के बाद अबू बकर रजीर ने आपको बोसा दिया तो गोया कि आप इस दुनिया से चले गए बुखारी यह हदीस सही बुखारी में मौजूद है व नबी हरे तबी सकाल नफसमुमिन मई नहीं हादू अबू हर रज़ील्ला तन फरमाते हैं कि नबी करीम वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन की जान मा तन लटका दी जाती है बीद ही उसके कर्ज़े की वजह से हता युकान जब तक कर्ज़ा अदा नहीं किया जाता तब तक उसकी जान नहीं छूटती यानी मोमिन बाकी अमाल बेहतरीन तोहीद रिसालत नेकियां नमाज सब बेहतरीन अब ये हकदार था कि जन्नत में पहुंच जाता लेकिन इसके ऊपर कर्जा था और कर्जा अदा ना हुआ जब तक कर्जा अदा नहीं होता बावजूद लाखों नेकियों के या करोड़ों नेकियों के इसको जन्नत में नहीं भेजा जाता बल्कि इसको लटका दिया जाता है कि जब तक तेरा कर्ज़ा नहीं अदा होगा तो जन्नत में नहीं जाएगा गौर कीजिए किस कदर अहम मामला है इस वजह से कहा गया कि हर शायर लिख के रखो ताकि कर्जा अदा किया जा सके और ये भी है कोशिश करो सौ फ़ीसद कोशिश करो हतीमकान कोशिश करो कि कर्ज़ लो ही ना और अगर लेने की नौबत आ जाए तो उसके उतारने की सबसे ज्यादा फिकर तुम्हें होनी चाहिए कि मैं अपने हाथ से उतार जाऊँ अदा कर जाऊँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीछे मेरी औलाद दे या ना दे मेरे भाई दें या ना दें रिश्तेदार दें या ना दें मुझे क्या पता है और उस वक्त फिर मुझे छुड़ाने वाला भी कोई नहीं होगा मेरी नेकिया मेरी इबादत मेरे मामलात सारे अच्छे भी हों लेकिन कर्जा अगर चढ़ा है तो अदा नहीं किया गया तो यह इंसान जन्नत में नहीं जाए एक रिवायत बहुत अहम है आप जनाजा पढ़ाने के लिए आते हैं अबू दाऊद की रिवायत जनादा जनाजा पढ़ाने के लिए आते तो आप पहले पूछते इस पर कर्जा है अगर बताया जाता कि नहीं आप जनादा पढ़ा देते और आपका कोई सवाल नहीं होता था इसकी जायदाद है कि नहीं इसके बच्चे हैं कि नहीं इसका ख़ानदान है कि नहीं कोई सिर्फ़ एक सवाल है इसके ऊपर कर्जा है नहीं आप पढ़ा देते जनाब फिर आप पूछते कर्ज़ा है बसाओकात कहा जाता जी हाँ कर्ज़ा है तो आप पूछते कर्ज़ा उतारने अदा करने के बराबर इसने कोई माल छोड़ा भी है कि नहीं इसकी कोई जायदाद इसकी कोई चीज़ ऐसी है यानी गाड़ी घर मकान कोई चीज़ जिससे इसका कर्जा अदा हो सके जी हाँ इतना तो छोड़ा है आप फिर भी जनाजा पढ़ा देते और कहते इसकी चीज़ों से उसका कर्जा अदा कर दो और बसाओकात आप पूछते कर्ज़ा है जी हाँ है अदा करने के बराबर पैसे छोड़े हैं नहीं छोड़े आप कहते सलुआला साहिबुम फीला वसली साहबा तुम पढ़ लो इसका जनाजा मैं मोहम्मद वसल्लम इसके लिए दुआ भी नहीं करूँगा मैंने इसका जनाजा पढ़ाऊंगा मैंने इसका जनाजा पढ़ाना ही नहीं कि कर्जा है और उतारने के पैसे नहीं छोड़ के गया तुम पढ़ लो मैंने नहीं पढ़ा और एक मरतबा ऐसा हुआ तो आपने पूछा इस पर कर्जा है जी हाँ है कितना सिर्फ़ दो दिनार सिर्फ दो दिनार सिर्फ़ दो दिनार आपने फरमाया उतारने के पैसे हैं नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जनाजा पढ़ लो एक सहाबी को तरस आया ख्याल आया अबूकतादा रज़ी अल्लाह उतरान को कहने लगे हुजूर आप अपनी दुआओं से इसको महरूम ना करें आपकी दुआओं से तो रहमतों की बरसात होती है आप इसका जनाजा पढ़ा दें कर्जा मैं अदा कर दूंगा मेरे जिम्मे आपने फरमाया देख लेना कहते देख दे, दे दूँगा आपने जनाजा पढ़ा दिया फिर आप मुलाकात हुई तो पूछा दे दिया कर्जा कहते नहीं जी दे दूंगा लेकिन अभी नहीं दे सका फिर मुलाकात हुई पूछा दे दिया कर्जा कहते हैं अभी नहीं दिया बस जल्दी दे देता हूं फिर तीसरी मर्तबा मुलाकात तो हुई कहा दे दिए कर्जा यानी फिक्र ये है कि उतरा कि नहीं उतरा दिया कि नहीं दिया अदा हुआ कि नहीं हुआ तीसरी उन्होंने जब कहा कि हाँ के हजूर आलाम मैंने दे दिया आपने वहां एक जुमला बोला आल आना अब बारा दत ही कबरू उसको कबर में ठंडक मिली है अब उसकी कबर ठंडी हुई है जब तक कर्जा अदा नहीं हुआ था मोमिन की जान को लटका दिया जाता है और उसको कबर में सुकून नहीं मिलता है सिर्फ दो दिन आर्थ आज हमारे यहां एक काम होता है लेकिन होता है ये वैसे रस्मी है ना कोई है ना कोई देता है उस वक़्त ऐलान करवा देते हैं करी साहब जी कर्जे कर्जे का ऐलान कर दियो असल ये होना चाहिए कि भी यहाँ ले के यार रख तेन नहीं पता के, दा के दा देना सब पता होता है पता होता है फुला 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 का देना है मेरे अबू ने मेरे भाई ने देना है सब का पता होता है लेकिन बस ये ऐलान कर दौ गरी साहब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं बाद चो लैन आन या मंगन या पूछन तू कौन थे मैं कौन खेड़ा तो ये एक धोखा दुनिया को तो दे सकते हैं अल्लाह को धोखा नहीं दिया जाएगा इस वजह से बेहतर है कि आप खुद ही अपने कर्जों का मामला दुरुस्त करें वरना मामला बहुत सख्त है फरमाया मोमिन की जान उसके कर्जे की वजह से लटका दी जाती है हत् युकू जब तक कर्जा अदा नहीं होगा उसकी मुआफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी इसको इमाम अहमद ने मुसंद अहमद के अंदर और इमाम तिरमजी ने जाम तिरमिज़ी में ये रिवायत नकल की है वानिबन अब्बास तहुम अन्ना नबी सल्लास क़ल फ़िलदी सम वब्दल्बन अबास तार नम फ़रमाते हैं कि एक शख्स एक सहाबी अपनी सवारी से गिर गए और फोत हो गए उन्होंने एहराम पहना हुआ था उमरे या हज के लिए गए थे सवारी पर बैठे हैं एहराम पहना हुआ है सवारी से गिरे हो गए। मन का टूटा या क्या हुआ ले जा? आपने फरमायाग सलोह बीमा सिद्न गुसल तो इसको दिया जाएगा पानी और बेरी के पत्तों के साथ लेकिन खुशबू नहीं लगाई जाएगी इसको काफूर नहीं लगाया जाएगा इसको इसके ऊपर खुशबू का छिड़काव नहीं होगा क्यों मुहरम था ना एहराम की हालत में जो पाबंदी है ना, वो इस पर अभी भी कायम रही के अभी भी उसको उसी हालत में रखो वकफी नो फी सोबई और इसका कफन दो कपड़ों में ही रखो आम कफन कितने कपड़ों का है तीन लेकिन एहराम बांधने वाले का कफन दो कपड़े क्यों मुहरम के होते ही क्या है दो कपड़े एक नीचे तहबन और एक ऊपर वो ही एहराम की कैफियत और मुहरम को सर डांपना मना है मुहरम एहराम की हालत में सर नहीं डांपेगा इसको भी तीसरी चादर देकर इसका सर डांपा नहीं जाएगा तो एहराम बांधने वाला जिस हालत में फोत हो यानी अहराम की हालत में गसल दिया जाएगा कफ़न दिया जाएगा वही दो चादरें उसका कफ़न बनेंगी और उसी में लपेटा जाएगा सर नहीं लपेटा जाएगा और इसको खुशबू नहीं लगाई जाएगी और दूसरी रिवायत में है, आपने फ़रमाया फ़ै इन बासु क़ियामती मब्भिया जब ये रोज़े क्यामत अपनी कब्र से उठेगा ना तो उस वक्त भी लब भक अब कहता हुआ उठेगा ये उसकी खुशकिस्मती होगी यानी जिस हालत में मरोगे उसी हालत में उठोगे जैसी मौत आएगी वैसी ही दोबारा ज़िंदगी का आगाज़ होगा तो आपने अहराम बांधने वाले के कफन दो कपड़े बताए हैं ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है

कि जब हुजूर अलैहि सलाम को गसल देने लगे लम्मा आरादू जब उन्होंने इरादा किया कियासल नबी वसल्लम नबी अलैहि वसल्लम को गसल देने का तो सहाबा पैगम्बर अली साम को गसल देने लगे हैं तो क्या इसके बावजूद भी समझ लिया जाए कि हुजूर ज़िंदा थे जिंदगी होती तो हुजूर खुद गुसल करते जिंदगी होती तो हुजूर अली हजूर खुद गुसल करते या ज्यादा से ज्यादा आपको आपकी बीवियां अजवाज मतहरा दे देती अगर आप बहुत बीमार होते और फिर अगला जो जुमला है कालू तो साहबा ने कहा वल्लादरी अल्लाह की कसम हमें समझ नहीं आ रही नुजर्रदु रसूल कमांुजरद मोताना जिस तरह हम अपने मुर्दों का लिबास उतार कर उनको वसल देते हैं क्या हुजूर को भी ऐसे दे ला या आपके कपड़े ना उतारें वाजे है कि हुजूर इस दुनिया से गए अगर आप जिंदा होते तो ये लिबास उतारने का तस्वुर और सोच और ये कशमकश होने ही नहीं मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे कोई आदमी बीमार हो गया पैरालाइज हो गया हिल भी नहीं सकता जब आप उसको गुसल देंगे तो लिबास तो नहीं उतारेंगे ना उसका जिंदे का आप उसको वैसे ही गुसल दें तो एक तो ये बात है कि हजूर अलीसलाम को साहबा ने गुसल दिया और उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आपका लिबास उतारा जाए या ना उतारा जाए जिस तरह आम मुर्दों का उतारा जाए इसका मतलब आम मस्जिदों का लिबास उतारा जाता था बस सतर जो है ना नाफ से लेकर घुटने तक की जो सतर है ना इसके ऊपर ऐसा कपड़ा डाला जाए जिससे सतर नंगा ना हो यानी वो जो सफ़ेद कपड़ा होता है ना बाद लोग उसको डालते हैं लेकिन अगर वो डालना है तो वो दो तीन तह लगा कर डालना चाहिए अकेला वो कॉटन का या लट्ठे का जो कपड़ा होता है कफन का अगर अकेले के ऊपर पानी लगे और जिसम के साथ लगे तो जिसम नमाया हो जाता है अगर तो आपके पास वही कपड़ा है तो आपने सतर की जगह पर डालना है तो कितने दो तीन चार तह लगा कर डालें ताकि सतर नज़र ना आए और अगर हो सके तो वही जो ऊपर उसके दिया हुआ था कोई कंबल और कोई खेस वगैरह चादर वग़ैरह जो पहले डाल वही उसके ऊपर डाल दी जाए ताकि नज़र ना आए आगे जो गसल का तरीका है वो बाद में आ रहा है इन बताया जाएगा अच्छा अब वो सहाबा परेशान हो गए कि हम उतारें या ना उतारें तो फिर हुआ क्या फिर अल्लाह ताला ने उन सब के ऊपर अचानक नींद और ऊँग को तारी कर दिया सब हालांकि इस परेशानी के मौके पर नींद नहीं आती और बंदा गुसल देने के लिए वहाँ खड़ा है तो वहाँ नींद का तसर तो नहीं है और फिर हुजूर अली सलाम फोत हुए हों और साहबा मोहब्बत की वजह से नींद आ जाए लेकिन अल्लाह की तरफ से इस मसले का हल बताना था तो सब के ऊपर नींद का गलबा आया और सो गए चंद लम्हों के लिए बैठे बैठे या खड़े खड़े फसा में वो का एक आवाज उनके कानों से टकराई और वो कह रहा था सिलु रसूल अल्ला सल अल्लाह वम वलैही ही सियाबू फ़गा सालू हो वल ही कमीसू फिर उनको कहा गया कि हुजूर को कपड़ों समेत गसल दे दो कपड़े उतारने की इजाज़त नहीं है यह आपका एहतराम आपका अदब आपका मर्तबा, आपका मुक़ाम था कि आपके लिबास उतारने की इजाज़त तो साहबा ने फिर उसी तरह आपके लिबास समेत ही आपको गसल दिया और फिर लिबास उतार कर आपको कफ़न पहना दिया गया रवाहु अहमदू व अबू दाबा यह हदीस मुसन अहमद और अबू दाबूद में मौजूद है इनशा गसल का जो तरीक़ा है वो और कफन का तरीक़ा जो है गसल कैसे देना है कहाँ से शुरू करना है और क्या अंदाज अपनाना चाहिए कितने अफराद दें मर्द को और औरत का गसल कैसे और कौन कौन दे सकता है और फिर जो कफ़न है वो कितना हो किस तरह का हो क्या कैफियत हो इंशाल्लाह अगले दरस में बताई जाए